नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेस पोसिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। संस्कृत विषय को लेकर पिछली कक्षा में हमने वाच्य परिवर्तनम के बारे में चर्चा की और उसका अभ्यास किया। आज हम विद्यार्थियों की मांग पर कारक प्रकरण की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में कारक के बारे में सामान्य परिचय और कारक संज्ञक जो सूत्र होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कारक, कारकों के चिन्ह और उनके जो सूत्र होते हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है कारक। कारक शब्द कैसे निष्पन्न होता है? तो कारक में क्री धातु रहती है, क्री धातु प्लस अनवुल प्रत्यय। क्री धातु और अनवुल प्रत्यय से क्या बनता है दोस्तों? कारक शब्द बनता है, क्री अनवुल। तो क्या बन जाएगा? कारक। क्री अनवुल से क्या बनता है? कारक। कारक शब्द निष्पन्न होता है, क्री धातु रहती है, क्री धातु रहती है और अनवुल प्रत्यय रहता है जिससे बनता है कारक। और अब बात करते हैं संस्कृत भाषा में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, कारक कहते किसे हैं। कारक की परिभाषा संस्कृत में है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया से जिसका सीधा संबंध रहता है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो, सीधा या प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो, प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो उसे कारक कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कारक की बात करें तो कारक छह प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं? संस्कृत भाषायाम कारकानि संति, संस्कृत भाषा में कारक होते हैं त्रयः वा षड् स अष्टः और द। संस्कृत भाषा में कारक होते हैं, संस्कृत भाषायां कारकाणि सन्ति, संस्कृत भाषा में कारक होते हैं तीन होते हैं, छह होते हैं, आठ होते हैं, सात होते हैं। तो कितने कारक होते हैं संस्कृत भाषा में? तीन, छह, आठ या फिर सात, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत भाषायां कारकाणि सन्ति। तो संस्कृत भाषा में कारक होते हैं दोस्तों छठ, यानी छह कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? छह कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? छह कारक होते हैं संस्कृत भाषा में, छह कारक होते हैं। और हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कितने होते हैं? अष्ट, यानी आठ कारक होते हैं। हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? आठ होते हैं। तो हम बात करते हैं छह कारकों की जो संस्कृत भाषा में कारक होते हैं। तो कारक शब्द कैसे निष्पन्न होता है? क्री प्लस अनुगुल, क्री धातु रहती है और अनुगुल प्रत्यय रहता है। ऐसे भी पूछा जाता है कारक इति शब्दे प्रत्यय अस्ति, कारक इति शब्द में, इस शब्द में प्रत्यय है। तो आपको ये याद रखना है कारक शब्द में अनुगुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है?
अनवुल पढ़ते हैं, प्री प्लस अनवुल, ल और अन इनकी संज्ञा हो जाएगी और तस्यता लोपो से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? क्री धन वु, युवो नाको एक सूत्र है, वु से उनका अक हो जाएगा, वु से क्या हो जाएगा, युवो नाको, वु से हो जाएगा अक, तो बन जाएगा क्री प्लस अक, फिर वृद्धि संधि से बन जाएगा कारक, क्या बन जाएगा कारक। तो अब बात करते हैं कारक में अनुल पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, अनुल पढ़ते हैं, अनुल पढ़ते युवो नाको एक सूत्र होता है जो आपको मैंने इस संज्ञा में बताया भी था, वो को क्या करता है, वो अक करता है, तो क्री प्लस अक बराबर कारक है, कारक शब्द निष्फल होता है। परिभाषा क्या है कारक की, परिभाषा क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया से जिसका सीधा या प्रत्यक्ष रूप से जो संबंध है वही कारक कहलाता है। क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया से जिसका सीधा यानी प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत भाषायां कारकानि सन्ति, संस्कृत भाषा में छह कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं, सच कारकानि सन्ति, संस्कृत भाषा में छह कारक माने जाते हैं। कारकों के कितने प्रकार माने जाते हैं दोस्तों, छह प्रकार माने जाते हैं, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, संस्कृत भाषायां सच कारकानि सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में छह प्रकार के कारक कहे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं संस्कृत भाषा में छह कारक, तो इसको एक श्लोक के माध्यम से लिखते हैं, कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्मम च करण संप्रदानम तथेव च, संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्मम च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम, अपादानाधिकरणम इत्येव कारकानि षट, कर्ता कर्मं च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं इत्येव कारकानि षट, अर्थात पहला जो कारक है वह है कर्ता, कर्ता कारक, दूसरा संस्कृत का कारक है वह कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां दोस्तों अधिकरण कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो यह है कर्ता कर्मं च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं इत्येव कारकानि षट, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान और अपादान और अधिकरण, यह छह प्रकार के कारक संस्कृत में कहे जाते हैं। अब हिंदी में इनके अलावा दो कारक होते हैं, एक तो होता है संबंध कारक, और एक होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, और हिंदी में छठवां होता है संबंध, सातवां वापिस होता है अधिकरण, और आठवां कारक होता है संबोधन कारक, अर्थात ये हिंदी में आता है छह नंबर पे
और सातवां सात नंबर पे आता है अधिकरण कारक हिंदी में, और आठवें नंबर पर आता है संबोधन कारक। लेकिन ये है दोनों कारक हिंदी में, छह तो ये है, ये दो ये जोड़ दिए जाते हैं तो आठ कारक हिंदी में हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत में अपने जो कारक है, अभी संस्कृत की कक्षा है, क्लास चल रही है, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये छह कारक हमारे संस्कृत में है। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं इत्येव कारकानि षट्। ये छह कारक हमारे कोर्स में है संस्कृत में, और कारक जो है हमारे छह प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में। तो आज हम क्या करेंगे, जो ये कारक है इनका कौन सा चिन्ह होता है और कर्ता कारक संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता कारक की, एक सारणी के माध्यम से समझते हैं इसको, एक सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है उसमें हम करना क्या है, सबसे पहले हम लिख देते हैं कारक, कौन सा कारक है उसके चिन्ह, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे उसका सूत्र, जो मुख्य सूत्र होता है उस कारक का, कारक जिस कारक का मुख्य सूत्र है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा कारक आता है दोस्तों, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है, कर्ता ने। अब हम बात करते हैं कर्ता कारक जो संज्ञक शब्द होते हैं, कर्ता कारक संज्ञा सूत्र कौन सा है, कर्ता कारक संज्ञा जो सूत्र है वो कौन सा है, तो वो है स्वतंत्र कर्ता। कौन सा सूत्र है, स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। इसका अर्थ क्या है, क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता दृश्यित हो उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात क्रिया के अर्थ में स्वतंत्र कर्ता, क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता दृश्यित हो, अर्थात क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता दृश्यित हो उसे कर्ता कहा जाता है। स्वतंत्र कर्ता जो कर्ता कारक संज्ञक सूत्र है उसका अर्थ है क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता दृश्यित हो, जो स्वतंत्र है क्रिया के अर्थ में उसे कर्ता कहा जाता है। जैसे रामेण पठ्यते, एक वाक्य है रामेण पठ्यते, अर्थात राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता, या पठ जो क्रिया धातु है, पठ्यते क्या है क्रिया है, तो क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता हो, अर्थात यहां पठ कौन रहा है, राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो राम क्या है करता है। इस ये है आपका जो है भाववाच्य, वाक्य कौन सा है दोस्तों भाववाच्य, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कर्तृवाच्य में रामः पठति, रामः पठति कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया, राम पढ़ता है, तो पठ धातु है, ये क्रिया है, क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता दृश्यित होती है अर्थात वो कर्ता कहलाता है, या राम क्या है दोस्तों करता है, राम क्या है करता है। कर्ता संज्ञक जो शब्द है वो कौन है यहाँ पे, राम, रामः पठति। इस प्रश्न कैसे पूछा जाता है, रामः पठति इति अस्मिन् वाक्ये कर्ता संज्ञक शब्दो अस्ति, इति रामः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में
कर्ता संज्ञक शब्द अस्ति, कर्ता संज्ञक शब्द है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है ए में पठति, ब में रामः, श में उभो, उभो यानी दोनों, दो शब्द हैं हमारे सामने रामा और पठति, पठति और रामा दोनों, या द कोपि नास्ति, कोई भी नहीं। अब आपके सामने ये प्रश्न है रामा पठति इत्यस्मिन, इत्यस्मिन वाक्य कर्ता संज्ञक शब्दोस्ति। प्रश्न क्या है, रामः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ता संज्ञक शब्दो अस्ति, राम पढ़ता है इस वाक्य में कर्ता संज्ञक शब्द कौन सा, ये दे दिया जाता है रामेण पठति, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ता संज्ञक शब्दो अस्ति। लेकिन हमें हमारा जो प्रश्न बनाया है हमने इस वाक्य से बनाया है रामः पठति से, अब राम पठति क्या ये कर्ता संज्ञक शब्द है, क्या इसकी कर्ता संज्ञा हो रही है, क्योंकि कर्ता संज्ञा उसकी होती है जो क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता दृष्टि होती है वह कर्ता कहा जाता है, कौन से सूत्र के द्वारा, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात इसका अर्थ हो गया कर्ता एकदम स्वतंत्र होता है, क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता होती है वही कर्ता होता है, तो यहां पठति क्रिया है और इससे सीधा इसका संबंध है किसका, राम का, प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष संबंध है किसका, राम का, रामा पठति राम पढ़ता है, तो हमारा जो उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, सही बी, रामः, रामः करता है और पठति जो क्या है क्रिया, उभो तब से उभो या दोनों पठति और राम, तो दोनों सही है नहीं, तो ये भी गलत है, यह भी गलत है, और कोपि नास्ति कोई भी नहीं है ऐसा भी कोई बात नहीं है, हमारे सामने उत्तर है द में रामः, तो यह कर्ता ने, इसका कारक चिन्ह क्या है ने, कारक चिन्ह क्या है कर्ता कारक का ने, और स्वतंत्र कर्ता इसका मुख्य सूत्र है जो कर्ता कारक संज्ञा करने वाला है, क्रिया के अर्थ में जिसकी स्वतंत्रता दृष्टि हो उसे कर्ता कहा जाता है, रामः पठति राम पढ़ता है, इसमें राम जो शब्द है वो कर्ता कारक है, राम जो शब्द है वो क्या है कर्ता है। अब हम बात करते हैं कर्म कारक की, दूसरा जो कारक है संस्कृत का वो है कर्म कारक, कौन सा है दोस्तों, कर्म कारक, कौन सा है कर्म कारक, उसका चिन्ह कौन सा है को, कौन सा चिन्ह है को, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है को, और उसका जो मुख्य सूत्र है वो क्या है, कर्तुं इप्सितं कर्म, कर्तुं इप्सितं कर्म, कर्तुर्विप्सितमं कर्म, कर्तुर्विप्सितमं कर्म, कौन सा सूत्र है कर्तुर्विप्सितमं कर्म, इसका अर्थ क्या है, अर्थात कर्ता के द्वारा कर्तुः इप्सितमं कर्म, इसको अलग अलग करके समझते हैं, कर्तुः इप्सित तमम कर्म, सूत्र क्या है कर्तुर्विप्सित तमम कर्म, कर्तुर्विप्सित तमम कर्म, कर्तुः इप्सित तमम कर्म है, कर्तु यानी कर्ता, कर्तु का क्या हो गया कर्ता, इप्सित का क्या हो गया दोस्तों, इप्सित यानी इच्छित या चाही गई, तमम यानी उसकी, कर्म यानी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो इच्छित वस्तु पदार्थ स्थान की कर्म संज्ञा होती है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा,
कर्ता के द्वारा जो इच्छित वस्तु वस्तु पदार्थ स्थान की कर्म संज्ञा होती है। क्या हो गया? कर्तुहु इप्सितु तमम कर्मः, अर्थात कर्ता के द्वारा इप्सित यानी इच्छित चाही गई वस्तु हो, पदार्थ हो या स्थान हो, तमम उसकी जो कर्ता के द्वारा इच्छित है उस वस्तु की कर्मः कर्म संज्ञा होती है। किस सूत्र के द्वारा? कर्तुरीप्सितमं कर्मः, कर्तुरीप्सितमं कर्म है, कर्तुरीप्सितमं कर्म अर्थात कर्ता के द्वारा इप्सित यानी इच्छित या चाही गई तमम उस वस्तु पदार्थ या स्थान की कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिस वस्तु को चाहता है, जिस स्थान की चाह रखता है या जिस पदार्थ की कर्ता को इच्छा होती है उस पदार्थ उस स्थान या उस वस्तु की कर्म संज्ञा होती है। और दोस्तों जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जिसकी कर्म संज्ञक शब्दों की द्वितीय विभक्ति होती है कौन से सूत्र के द्वारा? कर्मणि द्वितीय सूत्र कौन सा है? कर्मणि द्वितीय कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्मा। कर्म संज्ञा कौन करता है? कर्तुरीप्सितमं कर्म है। यह कहता है कर्ता के द्वारा जो इच्छित वस्तु है, जो पदार्थ है, जो स्थान है उस इच्छित वस्तु की कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है यह सूत्र घोषणा करता है कर्मणि द्वितीय। यह सूत्र कौन सा है? कर्मणि द्वितीय की जो कर्म संज्ञक शब्द है उनमें द्वितीय विभक्ति मैं करता हूं। क्या कहता है? कर्मणि द्वितीय की जो कर्म संज्ञक शब्द है अर्थात जिसके द्वारा कर्तुरीप्सितमं कर्म के द्वारा जिन शब्दों की कर्म संज्ञा हो गई है वो कौन से शब्द हो जाएंगे? कर्म संज्ञक शब्द हो जाएंगे। और ये कहता है कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है कर्मणि द्वितीय ये कहता है कि जिनकी कर्म संज्ञा हो गई है उनकी में उनमें मैं द्वितीय विभक्ति करता हूं। कर्मणि द्वितीय अर्थात कर्म संज्ञक जो शब्द होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये आगे हम जब विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे प्रथमा द्वितीय विभक्ति तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी आपको ये सामान्य रूप से समझाया जा रहा है कि कर्म संज्ञक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है। सीधे आपको ये याद रखना है अभी कर्म संज्ञक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है किस सूत्र के द्वारा? कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उसके द्वारा कर्म संज्ञक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। हम एक उदाहरण लेते हैं। सह ग्रामम गच्छति। अब दोस्तों आपके सामने वाक्य है सह ग्रामम गच्छति। सह ग्रामम गच्छति सह यानी वह, सह का अर्थ क्या होता है? वह। ग्रामम यानी गांव, सह वह गांव को जाता है। गच्छति यानी जाता है। तो सह क्या है? करता है। ग्रामम हमारा कर्म है, गच्छति क्या है? क्रिया है। सह ग्रामम गच्छति वह गांव को जाता है। तो यहां जो ग्रामम है गांव को जो चिन्ह है वो किसका है दोस्तों? कर्म कारक का है। और जो ग्रामम है वो कर्म संज्ञक शब्द है। किसके द्वारा यहां कर्म संज्ञा हुई है? कर्तुरीप्सितमं कर्म के द्वारा अर्थात वह जो करता है उसके द्वारा जो इच्छित स्थान है कौन सा स्थान है? यहां स्थान है गांव। ये कर्ता के द्वारा इच्छित है वो उसकी चाह रखता है गांव जाने की
तो इच्छित जो स्थान है उसमें उस शब्द की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा इस गांव की हो जाएगी तो कर्मणी द्वितीया इस सूत्र के द्वारा इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तब क्या बन गया, ग्रामम। जो ये ग्रामम शब्द है वो यहाँ पे कर्म संज्ञक शब्द है। प्रश्न क्या बनता है, स ग्रामम गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्म संज्ञक शब्दो अस्ति। स ग्रामम गच्छति इस वाक्य में कर्म संज्ञक शब्द कौन सा है, तो कर्म संज्ञक शब्द वही होगा कर्ता के द्वारा जो इच्छित शब्द है या जो वस्तु है, पदार्थ है, स्थान है, जिसके बारे में जो शब्द आ रहा है वो क्या होगा, कर्म संज्ञक होगा। यहाँ वह हमारा कर्ता है, इसके द्वारा क्रिया क्या है, गच्छति, और कर्ता के द्वारा कौन सा स्थान इच्छित है, चाही गई जो वस्तु है वो स्थान है वो ग्रामम है। तो ये ग्रामम क्या हो गया, कर्म संज्ञक शब्द हो गया। या ऐसे पूछा जा सकता है, सह ग्रामम गच्छति ग्रामम इति कर्म संज्ञक शब्दो अस्ति। इसका जो मुख्य सूत्र है वो कौन सा है, कर्म संज्ञक सूत्रो अस्ति, कर्म संज्ञक सूत्र अस्ति। जो ग्रामम में कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है, फिर आपके सामने ये दे दिया जाता है कर्मणि द्वितीया, ऑप्शन में ए में कर्मणि द्वितीया, कर्तुरिषितमम कर्म स्वतंत्र कर्ता, या फिर सर्वे अपि। तो आपके सामने अगर आपको याद है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म कर्ता के द्वारा जो इच्छित वस्तु पदार्थ स्थान है केवल उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा करने वाला जो मुख्य सूत्र है वो है कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्ता के द्वारा जो इच्छित वस्तु पदार्थ स्थान की कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है दोस्तों कर्मणि द्वितीया के द्वारा उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो आपके सामने ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना कर्मणि द्वितीया, और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्म। पहले कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के बाद ये सूत्र काम करता है कर्मणि द्वितीया। जिसकी कर्म संज्ञा होती है ये कहता है कि मैं उसमें द्वितीय विभक्ति करता हूं। तो ये हमारे कर्ता कारक और दूसरा कर्म कारक के बारे में चर्चा की। अब जो तीसरा कारक है हमारा वो है करण कारक। कौन सा है दोस्तों, करण कारक। तीसरा कारक है करण कारक, चिन्ह से या के द्वारा। चिन्ह क्या है करण कारक का, से या के द्वारा। करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। इसका जो मुख्य सूत्र है करण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है साधक तमम करणम। सूत्र कौन सा है, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। अर्थात ये कहता है, इसका अर्थ है साधक तमम, साधक यानी साधन, तमम यानी उसकी, उस साधन की कर्ण संज्ञा होती है। इसका हम अर्थ देखते हैं तो क्या निकलता है, इसका अर्थ है क्रिया की साधक तमम करण है, करणम उसका अर्थ है क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया की सिद्धि के, क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ता जिसका उपयोग करता, जिसका उपयोग साधन के रूप में, साधन के रूप में करता
है उस साधन शब्द की करण संज्ञा होती है। साधक तमम करणम, ये कहता है क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया क्रिया को पूरा करने के लिए कर्ता जिसका उपयोग साधन के रूप में करता है उस साधन शब्द की करण संज्ञा होती है और वह शब्द करण संज्ञक कहलाता है। जैसे रामेण माणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो हो बाली ही, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा जाता है, बाली मारा जाता है, रामेण बाणेन हतो बाली। तो यहां कर्ता कौन है दोस्तों? राम। कर्ता कौन है? राम। कर्ता कौन है? राम। बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा जाता है। राम के द्वारा बाण से किसको मारा जाता है? बाली को मारा जाता है। तो राम क्या है यहां पे? राम है कर्ता। राम क्या है? राम क्या है यहां पे? कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है। और बाणेन, बाण के द्वारा, तो राम जो है बाली को मारने के लिए कौन सा साधन काम में ले रहा है? बाण ले रहा है। क्या ले रहा है? अपनी जो क्रिया की सिद्धि के लिए, यानी बाली को हतो, ये जो क्या है, ये क्रिया है, ये क्या है? और बाणेन, बाणेन जो है, रामेन बाणेन हतो बाली, अर्थात बाली को मारने के लिए जो उसकी क्रिया सिद्ध करनी है, उसको पूरा करना है राम को, तो साधन कौन सा काम में ले रहा है? बाण ले रहा है। अर्थात बाणेन जो शब्द है वो करण संज्ञक शब्द है। तो बाणेन, बाणेन करण संज्ञक शब्द, बाण जो है यहाँ पे वो उस साधन है और साधन के रूप में जो काम लेता है करता, उस साधन शब्द की करण संज्ञा होती है। कौन से सूत्र के द्वारा? साधक तमम करणम। साधक तमम करणम के द्वारा क्या होती है? इसकी करण संज्ञा होती है। रामेण बाणेन हतो बाली, यहां बाणेन जो शब्द है वो कर्ण संज्ञक है। क्यों है? क्योंकि सूत्र कहता है कि साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ता जिसका उपयोग साधन के रूप में करता है उस साधन शब्द की कर्ण संज्ञा होती है। यहां हमारा कर्ता है रामेण, अर्थात राम शब्द की तृतीय विभक्ति में बनता है रामेण। तो रामेण जो हमारा कर्ता है वो अपनी सिद्धि के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, अर्थात बाली को मारने के लिए जिस साधन का प्रयोग कर रहा है वो है बाण। और उस साधन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? करण संज्ञा होगी। कौन सा कारक होगा? करण संज्ञक शब्द है, करण कारक होगा। किसके द्वारा? साधक तमम करणम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? साधक तमम करणम के द्वारा। और जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जिसकी करण संज्ञा होती है, जो करण संज्ञक शब्द होते हैं उनमें विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। किस सूत्र के द्वारा? कर्तृ कर्तृकर्णयोस्तृतीया तृतीया सूत्र कौन सा है? कर्तृकर्णयोस्तृतीया, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, जब विभक्तियों के बारे में बात करेंगे, कारक की विभक्तियां होगी अलग अलग, उसके बारे में बात करेंगे, तब इस तृतीय विभक्ति
जिस सूत्र से होती है कर्त्री करणियो तृतीया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो है कारक के मुख्य सूत्रों के बारे में। तो ये करण संज्ञक शब्द कौन सा है? बाणेन। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? रामेन बाणेन हतो बाली इत्यस्मिन वाक्ये करण संज्ञक शब्दो अस्ति। तो हमारे सामने है करण संज्ञक शब्द कौन सा है? तो वह बाणेन है। क्यों? क्योंकि राम हमारा कर्ता है और वो बाली को मारने के लिए जिस साधन का प्रयोग कर रहा है उस साधन शब्द में हमेशा कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। और किस सूत्र के द्वारा होता है? साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। और जो करण संज्ञक शब्द होते हैं उनमें हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तृतीय विभक्ति होती है। किस सूत्र के द्वारा? कर्तरी करणयो तृतीया, कर्तरी करणयो तृतीया सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति सिद्ध होती है। तो ये हो गया रामेन बाणेन हतो बाली। इस सूत्र में करण संज्ञक या करण संज्ञा सूत्र है, करण संज्ञक करने वाला सूत्र है, तो वो है साधक तमम करणम। तो ये है करण कारक। तीसरा जो हमारा कारक था वो था करण कारक। अब हम बात करते हैं चौथे कारक की। किसकी बात करते हैं? चौथे कारक की। वो कौन सा है? संप्रदान कारक। कौन सा है दोस्तों? संप्रदान कारक। करण कारक के बाद जो चौथा आता है वह है संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है, उसका जो चिन्ह है वह है के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? के लिए। इसका जो मुख्य सूत्र है वह है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, अर्थात इसका क्या? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा, कर्ता दान आदि क्रियाओं के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। किसी वाक्य में कर्ता दान आदि क्रियाओं के द्वारा, इसी वाक्य में कर्ता दान आदि क्रियाओं के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है, क्रियाओं के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान कारक, उसका जो मुख्य चिन्ह है वह के लिए। संप्रदान कारक का मुख्य चिन्ह क्या है? के लिए। और उसका जो मुख्य सूत्र है, संप्रदान संज्ञा करने वाला जो मुख्य सूत्र है वह है कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम प्रेति स संप्रदानम। कर्मणा कर्म के द्वारा, यम अभिप्रेति अर्थात जिसको अभिप्रेरित किया जाता है या प्रसन्न किया जाता है स संप्रदान, उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। सूत्र का क्या हो गया? कर्मणा अर्थात कर्ता के द्वारा,
दान आदि क्रियाओं के द्वारा जिसको अभी प्रेरित यानी प्रसन्न किया जाता है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। तो किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा दान आदि क्रियाओं के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाता है यानी कर्ता तो मुख्य करता है, वो किसी को दान देकर प्रसन्न करता है, किसी को कोई वस्तु देकर प्रसन्न करता है, तो उस शब्द की जो प्रसन्न होता है उस शब्द की या जिसको दान दिया जाता है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। उस शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञक संज्ञा होने वाले शब्द संप्रदान संज्ञक शब्द कहलाते हैं। तो हम उदाहरण देखकर बात करते हैं। राजा विप्राय गाम ददाति। राजा विप्राय गाम ददाति। तो इस इत्यस्मिन् शब्दे संप्रदान संज्ञक शब्दो अस्ति। प्रश्न क्या बनता है? राजा विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् शब्दे इत्यस्मिन् वाक्ये संप्रदान संज्ञक शब्दो अस्ति। राजा क्या है? यहाँ राजा कर्ता है। राजा क्या है? कर्ता है। कर्ता के द्वारा विप्राय गाम ददाति। ददाति क्या है? क्रिया है। गाम क्या है? कर्म है। विप्राय यानी राजा के द्वारा विप्राय यानी ब्राह्मण को गाय दी जाती है। अब राजा जो है दान आदि क्रिया के द्वारा गाय देकर किसको प्रसन्न कर रहा है? यहाँ पे किसको कर रहा है? विप्राय किसको प्रसन्न कर रहा है? राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, अर्थात वो गाय देकर उस ब्राह्मण अर्थात विप्र को प्रसन्न कर रहा है। किसको प्रसन्न कर रहा है? विप्र को। तो ये जो विप्राय है वो कौन सा शब्द हो गया? संप्रदान संज्ञक शब्द हो गया। विप्राय क्या है? विप्राय संप्रदान संज्ञक शब्द। विप्राय यहां क्या है? संप्रदान संज्ञक शब्द है। तो राजा विप्राय गाम ददाति अर्थात जो राजा हमारा जो करता है वो गाय का दान देकर किसको प्रसन्न कर रहा है? यहाँ पे जिसको मिल रही है वह प्रसन्न होता है। तो यहाँ विप्र को मिल रही है। तो विप्राय क्या है? संप्रदान संज्ञक शब्द है। तो जिसको दी जाती है कर्ता के द्वारा दान आदि जिसको दिया जाता है जिसको प्रसन्नता प्राप्त होती है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसको जिस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है दोस्तों उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान संज्ञक शब्दों की कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सा सूत्र है? चतुर्थी संप्रदाने। सूत्र कौन सा है? चतुर्थी संप्रदाने अर्थात जो संप्रदान संज्ञक शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति होना निश्चित है। इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी संप्रदाने। इसकी चर्चा भी हम विभक्ति वाले क्लास में करेंगे जिसमें विभक्तारक विभक्तियों के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे। चतुर्थी विभक्ति करने वाला मुख्य सूत्र कौन सा होता है? तो यहां जो संप्रदान संज्ञक जो शब्द होते हैं संप्रदान संज्ञक शब्द जो होते हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के द्वारा। संप्रदान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम। कर्मणा कर्म के द्वारा अपने कर्म के द्वारा जो करता यम अभिप्रेरित जिसको अभिप्रेरित करता है सूत्र से भी हमारा अर्थ निकल जाता है। कर्मणा अपने कर्मों के द्वारा यम जिसको अभिप्रेरित अर्थात प्रेरित किया जाता है प्रसन्न किया जाता है स संप्रदानम वह संप्रदान संज्ञक शब्द है या उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता के द्वारा दान आदि क्रियाएं देकर जिसको प्रसन्न किया जाता है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। गलती कहां करते हैं हम? जब वाक्य निर्माण करते हैं ये भी प्रश्न आते हैं वाक्य निर्माण करने वाले भी। तो कारक अगर आपको सही तरीके से आते हैं समझ लोगे सही कारकों को तो आप वाक्य जो अशुद्धियां होती है वाक्य निर्माण में जो अशुद्धियां होती है
उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब गलती क्या करते हैं वाक्य निर्माण में, हमें ये भूल जाते हैं कर्मणायम विप्रेति स संप्रदानम, या कर्म के द्वारा कर्ता जिसको प्रसन्न करता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। किस सूत्र के द्वारा? चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के द्वारा होती है। क्यों होती है? जब संप्रदान संज्ञा हो जाती है तो ये जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति करता है। लेकिन हम वहां पे क्या करते, गलती क्या कर बैठते हैं, कर्ता में चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, जो जिसको दान मिला है अर्थात प्रसन्न वह होगा, जो प्रसन्न होता है उस शब्द में ही संप्रदान संज्ञा होती है, उसके बाद उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो राजा विप्राय गाम ददाती, राजा के द्वारा ब्राह्मण को गाय दी जाती है, तो यहाँ दान किसको मिल रहा है, विप्र को मिल रहा है। प्रसन्न कौन हो रहा है? विप्र हो रहा है, तो वह संप्रदान संज्ञा किसमें होगी? विप्राय में। और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी संप्रदाने के द्वारा हो जाती है। तो ये बन गया राजा विप्राय गाम ददाती, जो विप्राय शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है, ऐसे पूछा जाता है। राजा विप्राय गाम ददाती, विप्राय इति शब्दे चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्रम अस्ति। विप्राय इति शब्दे वाक्य पूरा दिया जाता है, राजा विप्राय गाम ददाती, ये वाक्य दे दिया। उसके बाद आपको प्रश्न कैसे बनता है, राजा विप्राय गाम ददाति, वाक्यस्मिन विप्राय, इसको सीधा रेखांकित कर देते हैं, इसे रेखांकित शब्दे चतुर्थी विधायक सूत्रोस्ति। अब आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पहला तो ये दे दिया जाता है कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, ऊपर वाला वह में आपके सामने दे दिया जाता है अकथितम च, में आपके सामने दे दिया जाता है चतुर्थी संप्रदाने, द में दिया जाता है अपादाने पंचमी। राजा विप्राय गाम ददाती वाक्य अस्मिन रेखांकित शब्दे चतुर्थी विधायक सूत्रो अस्ति, यानी जो ये वाक्य दिया गया है उसमें जो रेखांकित जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति करने वाला जो विधायक सूत्र है वह कौन सा है। अब जैसे हमें सबसे पहले एम एम मिल गया, हमें कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, अब हमें पढ़ लिया कि संप्रदान संज्ञा होती है विप्राय में कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम से, तो हम क्या करेंगे जल्दीबाजी में इसको सही कर देंगे। लेकिन ये केवल संप्रदान संज्ञा करता है, विभक्ति नहीं करता। दोस्तों ये ध्यान रखना, आज जो पढ़ रहे हैं वो केवल संज्ञा शब्द पढ़ संज्ञा सूत्र पढ़ रहे हैं, कारकों की जो संज्ञा होती है जैसे कर्ता संज्ञा, करण संज्ञा, कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, जो मुख्य सूत्र होते हैं कारकों के। तो ये जो सूत्र है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, वो तो कहता है कि कर्ता के द्वारा दान आदि क्रियाओं के द्वारा जिस को प्रसन्न किया जाता है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात वो शब्द अब क्या हो गया, जब संप्रदान संज्ञा हो गई तो वो शब्द हो गया संप्रदान संज्ञक शब्द, बस ये इतना ही कहता है। अकथितम च ये द्वितीय विभक्ति का है, चतुर्थी संप्रदाने ये कहता है जिसकी संप्रदान संज्ञा हो गई वह संप्रदान संज्ञक शब्द, उनमें मैं क्या करता हूं चतुर्थी विभक्ति करता हूं, अर्थात यहां विप्र की कौन सी संज्ञा हो रही है, संप्रदान संज्ञा हो रही है,
उस विप्र की संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो गई और ये बन गया विप्राय। तो ये उत्तर हमारा सही होगा, क्योंकि विधायक सूत्र जो है चतुर्थी विधायक सूत्र है वह है चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान संज्ञक शब्दों में चतुर्थी विभक्ति जिससे होती है वह चतुर्थी संप्रदान। अर्थात जहां संप्रदान संज्ञा होती है वहां चतुर्थी विभक्ति होती है किस सूत्र के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान। तो ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं, सोचकर और समझकर इनके उत्तर आराम से दिए जा सकते हैं। आपको सूत्र अगर याद रहेंगे तो उनका अर्थ भी उन सूत्रों से ही निकल जाता है। अब जो हमारा जो आगे का जो है कारक वो है अपादान कारक। कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक है। अब जो आप आगे का कारक है वह है अपादान कारक। तो तीसरा जो चौथा कारक था वह था संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए, और जो मुख्य सूत्र है वह प्रमणायम विपेति संप्रदानम। अब हमारा जो पांचवा कारक है वो है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से अलग, से अलग। और इसका जो मुख्य सूत्र है अपादान कारक का मुख्य चिन्ह क्या है? मुख्य चिन्ह है से अलग। और इसका जो सूत्र है वह है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम कौन सा है सूत्र? ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम का इसको अलग अलग करते हैं, समझते हैं इसको सूत्र को। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम का अर्थ हो गया अवधिभूत, अवधिभूत पदार्थ, अवधिभूत पदार्थ। और अपाय विभाग, अपाय का क्या अर्थ है? ध्रुवम का अवधिभूत पदार्थ और अपाय का विभाग, या इसका विश्लेषण भी बोल सकते हैं इसको, विश्लेषण। अपादान संज्ञा, ध्रुवम यानी अवधिभूत पदार्थ, अपाय यानी विभाग या विश्लेषण। ध्रुवम अपाय अपादानम, अर्थात यदि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है। ध्रुवम एक निश्चित पदार्थ है, एक निश्चित जगह पर स्थित कोई पदार्थ है, उससे अपाय उसका एक विभाग हो जाता है, उसका अलग विश्लेषण कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? अपादान संज्ञा होती है। यदि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है, उसमें अपादान संज्ञा, पदार्थ जिसे अलग होता, पदार्थ से अलग होता है, या उससे
नूर हटता है, से नूर हटता है तो वहां जिससे दूर जाता है, दूर जाता है उस शब्द में अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम अवधिभूत पदार्थ जो निश्चित है, अपाय उसका उससे अलग हो रहा है, कोई अलग विभाग बन रहा है या उसका विश्लेषण हो रहा है, उसमें अपादान संज्ञा होती है। अर्थात यदि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है या उससे दूर जाता है, और कोई भी पदार्थ है उससे अलग जा रहा है या उससे दूर हट जाता है, तो जिससे दूर जा रहा है या जिससे अलग हो रहा है उस पदार्थ उस शब्द में अपादान संज्ञा होती है। उस शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। जिस शब्द में अपादान संज्ञा होती है वह अपादान संज्ञक शब्द कहलाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक उदाहरण देखिए, इधर उदाहरण पर बात कर लेते हैं। स स ग्रामात स ग्रामात आगच्छति, स ग्रामात आगच्छति। स यानी वह, हमारा जो पढ़ता है, ग्रामात यानी गांव से, आगच्छति यानी आता है, ग्रामात यानी गांव से, अर्थात वह गांव से आता है। स का तो हो गया वह, ग्रामात यानी गांव से, आगच्छति यानी आता है, वह गांव से आता है। अब जो स है वह क्या करता है, वह क्या है यहाँ पे करता है। अब करता जो है वो किससे अलग हो रहा है दोस्तों? गांव से अलग हो रहा है। स ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है, तो हमारा जो करता वह है वो किससे अलग हो रहा है? गांव से अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? गांव से अलग हो रहा है। हमारा सूत्र क्या कहता है कि जो किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है, तो यह गांव है उससे अलग कौन हो रहा है? जो हमारा करता है वह गांव से अलग हो रहा है या उससे दूर हटता है, तो वहां जिससे दूर जाता है, अर्थात जो वह है वो किससे दूर जा रहा है? गांव से दूर जा रहा है। किससे दूर जा रहा है? गांव से दूर जा रहा है। तो जो गांव शब्द है, जो ग्राम शब्द है, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। जो अब अपादान संज्ञा शब्द कौन सा हो गया हमारा? ग्रामात, ग्रामात ये शब्द हो गया अपादान, अपादान संज्ञक, अपादान संज्ञक शब्द। ग्रामात जो है वो कौन सा शब्द बन गया? अपादान संज्ञक शब्द बन गया। क्यों बन गया? कि ये जो वाक्य है, सह ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है। अब जो वह हमारा करता है वह गांव से दूर जा रहा है, वह गांव को छोड़कर उससे अलग हो रहा है, तो जिससे दूर जाता है या जिससे अलग होता है जिस पदार्थ से, तो जिससे अलग हो रहा है उस शब्द में अपादान संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। तो जो ग्राम शब्द है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जिस शब्द की अपादान संज्ञा होती है उस शब्द में दोस्तों पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जिस शब्द की अपादान संज्ञा होती है उस शब्द की, उस शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। किस सूत्र के द्वारा? अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी सूत्र के द्वारा उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। अपादाने पंचमी सूत्र कहता है कि जिसकी अपादान संज्ञा होती है, जिस शब्द की अपादान संज्ञा होती है उसमें मैं पंचमी विभक्ति करता हूं, उस शब्द में मैं कौन सी विभक्ति करता हूं? पंचमी विभक्ति करता हूं। तो अपादान संज्ञक शब्द हमारा ग्राम था, उस गांव की अपादान संज्ञा होने से उसमें पंचमी विभक्ति हो गई और वो क्या बन गया? ग्रामात, सह ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है। हमारा एक बार फिर समझ लीजिए, सह ग्रामात आगच्छति,
वह गांव से आता है। हमारा कर्ता कौन है? सह, अर्थात उसका अर्थ है वह, वह हमारा कर्ता है। या ऐसे कर लो कि रामः ग्रामात् आगच्छति, रामः रामः ग्रामात् आगच्छति, राम गांव से आता है। अब हमारा जो कर्ता है वह राम है, कौन है? राम हमारा कर्ता कौन है? राम है। वह गांव से अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहा है दोस्तों? गांव से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग हुआ जाता है, जिस पदार्थ से दूर हटा जाता है, जिस स्थान से दूर हटा जाता है, उस स्थान में अपादान संज्ञा होती है। किस सूत्र के द्वारा? द्रोम पाए अपादानम। किस सूत्र के द्वारा? द्रोम पाए अपादानम। द्रोम यानी अवधिभूत पदार्थ, जो निश्चित जगह पर स्थिर है। अपाए उसके विभाग हो जाते, उससे अलग हो जाते, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो उस ध्रुव शब्द में, किस शब्द में? ध्रुव शब्द में जो स्थित है, ये तो उससे अलग हो रहा है, अपाय का हो गया विश्लेषण अलग होना। लेकिन जो ध्रुव शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? अपादान संज्ञा होती है। किस सूत्र के द्वारा? ध्रुवम अपाए अपादानम। किस सूत्र के द्वारा? ध्रुवम अपाए अपादानम सूत्र के द्वारा उसमें अपादान संज्ञा होती है। और जिस शब्द में अपादान संज्ञा होती है वह अपादान संज्ञक शब्द कहलाता है, और अपादान संज्ञक शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है अपादाने पंचमी सूत्र के द्वारा। अब हमारा जो अंतिम और लास्ट जो कारक है वो है अधिकरण कारक। संस्कृत में जो अंतिम कारक है, क्योंकि संस्कृत में छह ही कारक होते हैं, संस्कृत में जो छठवां कारक है दोस्तों वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। इसके चिन्ह में पे पर। इसका जो मुख्य सूत्र है वह है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। आधारो यानी आधार, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। सामान्य रूप से इसका क्या निकलता है? आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। इसको आप करते हैं अर्थात आधारो अधिकरणम, इसको करते हैं हम अर्थात क्रिया। आधारो अधिकरण का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका जो वृत्ति है उसका क्या अर्थ होगा? क्रिया के आधार, सामान्य रूप से आधारो अधिकरण आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। क्रिया का जो आधार होता है उसको क्या कहा जाता है? अधिकरण कहा जाता है। क्रिया के आधार को क्या कहा जाता है? अधिकरण कहा जाता है। और उसकी कौन सी संज्ञा होती है? आधार की अधिकरण संज्ञा। किसी भी क्रिया के गठित गठित होने के स्थान स्थान या घटित होने के समय, किसी भी क्रिया के गठित होने के स्थान या घटित होने के समय को आधार कहा जाता है, को आधार कहा जाता है, और उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और उस आधार की
अधिकरण संज्ञा होती है। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम अर्थात क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। सामान्य रूप से क्या आता है, क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। किसी भी क्रिया के, इसका जो पूरा अर्थ देखिए, किसी भी क्रिया के गठित होने का जो स्थान है, जिस स्थान पर वो क्रिया गठित हो रही है या घटित होने का जो समय है, गठित होने का स्थान और घटित होने का जो समय है उसको आधार कहा जाता है, और उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अर्थात जिस स्थान पर क्रिया गठित होती है या जिस समय पर क्रिया घटित होती है उसको आधार कहा जाता है और उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है दोस्तों, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तम्याधिकरणे च सूत्र के द्वारा, कौन से सूत्र के द्वारा, सप्तम्याधिकरणे च सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि अधिकरण संज्ञक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है सप्तम्याधिकरणे च सूत्र के द्वारा। और अधिकरण संज्ञा सूत्र कौन सा है, आधारो अधिकरणम, जिस किसी भी क्रिया के गठित होने के स्थान और घटित होने के समय को आधार कहा जाता है और उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अब हम उदाहरण देकर इसको समझते हैं। वयम कक्षायाम तिष्ठामः, वयम कक्षायाम तिष्ठामः। वयम जो है वो है कर्ता, वयम क्या है दोस्तों, कर्ता। तिष्ठामः वह है क्रिया। अब जो है कक्षायाम, वयम का अर्थ होता है हम सब, वयम का अर्थ क्या हो गया, तिष्ठामः यानी बैठना, हम सब कक्षा में बैठे हैं। वयम कक्षायाम तिष्ठामः, हम सब कक्षा में बैठे हैं। क्रिया क्या है, बैठना। तो किसी भी क्रिया के गठित होने का जो स्थान है, अर्थात जो बैठा जा रहा है उसका स्थान कौन सा है, कक्षा, कौन सा है, कक्षा। बैठना जो क्रिया है वो कहां पूरी हो रही है, उसका स्थान कौन सा है, वो स्थान है कक्षा। तो जो कक्षा शब्द है वह आधार है, वह क्या है, कक्षा जो शब्द है वो क्या है, आधार है। उस आधार की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आधारो अधिकरणम। तो यह कक्षा, जब कक्षा जो शब्द है अब वो क्या बन गया, अधिकरण संज्ञक शब्द बन गया। अधिकरण संज्ञक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तम्याधिकरणे च सूत्र के द्वारा। तो ये बन गया कक्षायाम। अब जो ये कक्षायाम जो शब्द है वो अधिकरण संज्ञक शब्द है, अधिकरण संज्ञक शब्द। वयम कक्षायाम तिष्ठामः, ये अधिकरण संज्ञक शब्द है। क्यों है, कि वयम हम सब तिष्ठामः में बैठे हैं। कहां बैठे हुए हैं, वो कौन सा स्थान है, क्रिया का गठित होने का जो स्थान है उस गठित होने वाले स्थान को आधार कहा जाता है, और उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। इसलिए कक्षायाम में सप्तमी विभक्ति हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि इसकी अधिकरण संज्ञा हो गई और सप्तम्याधिकरणे च सूत्र के द्वारा वहां सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जिसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है उसमें हमेशा दोस्तों सप्तमी विभक्ति ही लगती है। तो वयम कक्षायाम तिष्ठामः, जो कक्षायाम है वह अधिकरण संज्ञक शब्द है। तो यह हमारा अधिकरण कारक था, उसके चिन्ह में पेपर, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्यों होती है, कि अधिकरण संज्ञक शब्दों में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण संज्ञा करने वाला जो मुख्य सूत्र है वह आधारो अधिकरणम, अर्थात क्रिया के आधार की
अधिकरण संज्ञा होती है। अब क्रिया का आधार अर्थात क्रिया के गठित होने का जो स्थान है और जो घटित होने का जो समय होता है दोस्तों वह आधार कहलाता है, और उस आधार की आधारों अधिकरण के द्वारा अधिकरण संज्ञा हो जाती है। वयम कक्षायाम तिष्ठाम है, ये जो वाक्य है उसमें जो कक्षायाम शब्द है वो तिष्ठामक क्रिया के गठित होने का स्थान है। तिष्ठाम यानी बैठना जो क्रिया है उसके गठित होने का जो स्थान है वह कक्षा, इसका अधिकरण संज्ञा हुई और इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई तो बन गया वयम कक्षायाम तिष्ठाम, हम सब कक्षा में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो ये कारकों के जो मुख्य सूत्र है, जो संज्ञाओं के सूत्र है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप वहां से पढ़ सकते हो। और आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अब हम आगे की क्लास में इनकी विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति से लेकर कारक की विभक्तियां पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।